हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ फिर एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं साबूदाने की खिचड़ी, जो कि लोग उपवास में खाना प्रीफर करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे कटे हुए बटाटे, रख लेंगे कढ़ाई और कर लेंगे तेल को गरम। डालेंगे एक चम्मच जीरा। जीरा डालने के बाद हम जो स्टार्टिंग में आलू कटिंग करके रखे थे, अब उसे हम डाल देंगे। तो मैं प्रॉपर तरीके से बटाटे को तेल में डाल दूंगी। तेल में डालने के बाद उसे मैं अच्छे से चला लूंगी, जिससे तेल उसमें मिल जाए अच्छे से। थोड़ा देर तक उसे चलाने के बाद उसे हम ढक देंगे और छोड़ देंगे उसे थोड़ी देर के लिए पकने के लिए। चलिए हम ढक्कन को खोलेंगे, अब फिर उसे एक बार चला लेंगे अच्छे से। मैं चला लेती हूँ, आपको भी इसी प्रकार चला लेना है। चलिए मेरा चला के हो गया है, अब इसे हम ढक देंगे 2 मिनट के लिए। क्या है फ्रेंड्स, इसे थोड़ा हमें बार बार एक आध बार चलाना। अब हम चलते हैं साबूदाने की तरफ से। मैं साबूदाना पहले से ही भिगा के रखी थी। ये देखो मेरे साबूदाने अच्छे से फूल चुके हैं। अब हम कढ़ाई के ढक्कन को खोलेंगे, अब हम उसे दोबारा फिर से चला लेंगे। आज मेरा छोटा बेटा बहुत पीछे पड़ा था, बोला मम्मी मुझे आज साबूदाने खिचड़ी खाने का मन कह रहा है, आज मुझे टिफिन में भी साबूदाने खिचड़ी देना। इसके लिए मैं आज उसके लिए साबूदाने खिचड़ी बना रही हूँ। तो मैंने पहले से ही धनिया मिर्ची पीस के रखा था, अब उसमें हम ऐड करेंगे। तो मैं धीरे धीरे उसे अच्छे से फिर चला लूंगी, जिससे उसमें धनिया मिर्ची का पेस्ट मिल जाए अच्छे से। अब उसमें हम ऐड करेंगे भीगा हुआ साबूदाना। मैं फटाफट उसे ऐड कर लेती हूँ। साबूदाने को ऐड करके फिर उसे हम अच्छे से चला लेंगे। अच्छे तरीके से उसे चला लेना है। अब हम फिर उसे अच्छे से ढक देंगे। देखिए कुछ देर तक ढकने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। सिंगदाने को ग्राइंड करके मैं उसमें ऐड कर लूंगी। तो उसको दोबारा अच्छे से चला लेना है। मैं अच्छे से चला लेती हूँ। मैं डालूंगी उसमें स्वादानुसार नमक, वैसे मैं 2 चम्मच इसमें ऐड कर लेती हूँ। सॉल्ट हैज पर टेस्ट। अब उसमें ऐड करेंगे कटी हुई धनिया। कटी हुई धनिया ऐड करने के बाद उसे हम अच्छे से चला लेंगे। चलिए कुछ देर तक उसे चलाने के बाद उसे अच्छे से ढक देते हैं। फाइनली हमारी साबूदाने खिचड़ी हो गई है तैयार, अब इसे हम सर्व कर लेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अगली नई रेसिपी चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं बनाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। चलिए बाय।